हेलो स्टूडेंट, देखिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए इसके पहले हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज कर लिए थे, तो आज हम लोग पाइथागोरस थ्योरम देखेंगे। एक्सरसाइज 6.04 शायद किए थे पिछले लेक्चर में, देख लीजिएगा। और पाइथागोरस थ्योरम पढ़ने के बाद हम लोग अगला एक्सरसाइज देखेंगे। तो देखो इसको, पाइथागोरस थ्योरम को तो छोटे क्लास में ही आप लोग जान जाते हो, क्लास 7-8 में ही बता दिया जाता है, लेकिन कैसे प्रूफ हुआ उसको देखते हैं। तो देखो यहाँ पर एक डायग्राम बनाते हैं इसको प्रूफ करने के लिए। यहाँ पर एक ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं ये। यहाँ पर ये ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री है। अब बोला गया है कि क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम जब भी लगता है तो राइट एंगल ट्रायंगल पर ही लगता है, ये बात पता है। अब इसमें करना क्या, ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। तो गिवन क्या है, पहले यहाँ पर गिवन लिख लेते हैं। गिवन में बोला गया है कि ए बी सी इज ए ट्रेंगल, ए बी सी इज राइट ट्रेंगल, राइट एंगल ट्रेंगल है, राइट एंगल ट्रेंगल एट बी, बी पर हम ले लिए हैं राइट एंगल ट्रेंगल है। अब प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ तो पता ही है क्या करना होता है, पाइथागोरस थ्योरम तो समझते ही हो। इसके सामने ये हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया बेस, ले लो ये हो गया परपेंडिकुलर। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू जो होता है वो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, मतलब कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। या इसी को बेस मानो, ये हाइपोटेनस हो गया तो ये बेस मानते थे, इसको परपेंडिकुलर मानते हैं, या इसको बेस मानोगे तो ये परपेंडिकुलर मानोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, ये तो हाइपोटेनस होगा क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड बड़ी होती है उसी को हाइपोटेनस बोलते हैं। हमें ये प्रूफ करना है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, कंस्ट्रक्शन करेंगे तभी जाकर ये हो पाता है। वैसे पाइथागोरस थ्योरम जो ये पढ़े हो आप, फार्मूला हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये आपको पता होना चाहिए कि ये बौधायन हुआ करते थे हमारे देश में, उनका नाम था बौधायन जी महाराज। तो ये बौधायन हुआ करते थे, तो ये इन्होंने ही इसको ज्योमेट्री से सबसे पहले प्रूफ किया था। पाइथागोरस तो ये ग्रीस का था, यूनान का था, जहाँ का सिकंदर था वहाँ का ये था। तो पाइथागोरस ने बस इसको फार्मूलेट किया था, अदरवाइज बौधायन ने ही इसको प्रूफ किया था ज्योमेट्री बना करके, उसको ये ऐसे फार्मूलेट कर दिया बस। तो इसमें सारा गेम इन्हीं का था, लेकिन इसने बस एक फार्मूला ही बना दिया। तो ज्योमेट्री से प्रूफ करने वाले सबसे पहले इंडियन मैथमेटिशियन बौधायन थे, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखते हैं ये कंस्ट्रक्शन क्या है। कंस्ट्रक्शन यहाँ पर ये स्टूडेंट, यहाँ से हम बी से एक लाइन ड्रा करेंगे परपेंडिकुलर, इसको बोलेंगे बी डी। यहाँ पर एक हम लोग लाइन ड्रा कर लिए परपेंडिकुलर, यहाँ लिख देंगे ये बी डी है ड्रा, ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, लिखेंगे ड्रा बी डी परपेंडिकुलर। तो बी डी जो है ये परपेंडिकुलर है। अब बी डी किसके परपेंडिकुलर है बताइए, बी डी जो है ए सी के परपेंडिकुलर है, तो बी डी परपेंडिकुलर ए सी हो गया, ये हो गया बी डी जो है ए सी के परपेंडिकुलर है, ये हो गया कंस्ट्रक्शन। यहाँ पर करते हैं प्रूफ, अब प्रूफ करेंगे तो देखते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट सिमिलियरिटी का गेम है, सिमिलियरिटी का जो कंसेप्ट हम लोग सीखे थे यहाँ पर उसका हम लोग यूज करेंगे। अब देखते हैं, तो यहाँ पर ध्यान से अगर देखें तो दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक ट्रायंगल दिख रहा है ए डी बी। देखो यहाँ पर दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं, पहले स्टार्टिंग में अगर ये 90 डिग्री है तो इधर से भी कितना होगा 90 होगा। तो हम यहाँ पर लेकर चलते हैं इन ट्रायंगल ए डी बी, ए डी बी एंड ट्रायंगल, ए से डी चले तो ए से डी फिर बी पर गए, मतलब ए से जब चले तो डी क्या था राइट एंगल ट्रायंगल था। तो अब ए से हम लेते हैं ए बी सी को, तो एन ट्रायंगल ए बी सी ले लिए। अब इन दोनों को अगर ध्यान से स्टूडेंट देखो तो ये दोनों जो ट्रायंगल है ये आपस में सिमिलर हैं। ये आपस में सिमिलर कैसे हैं, ध्यान से देखिए। तो ए डी बी में और ए बी सी में ए क्या है, कॉमन है, ए डी बी में भी ए आ गया और ए बी सी में भी ए आ गया। तो यहाँ पर ए तो कॉमन हो गया, तो यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, ये तो हो गया कॉमन एंगल, ये लिख सकते हैं कि ये हो गया कॉमन एंगल। तो अगर ये कॉमन एंगल हो गया स्टूडेंट तो यहाँ से भी बोल सकते हैं कि देखो ध्यान से ए डी बी में
ये डी कितना 90 डिग्री है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि एंगल ए डी बी इक्वल टू, तो ए डी बी तो यहाँ से चलेंगे ए बी सी, जिस ऑर्डर में यहाँ पर चलते हैं उसी ऑर्डर में यहाँ चलते हैं, तो ए डी बी में डी पर 90 डिग्री है, तो ए बी सी में बी पर 90 डिग्री है, तो एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए बी सी हो गया, ये है राइट एंगल, राइट एंगल। तो फ्रॉम एंगल एंगल से बोल सकते हैं, जब दो एंगल एंगल से फ्रॉम एंगल एंगल हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए डी बी जो है ये सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ए बी सी के। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो सिमिलर होने का फायदा क्या हुआ स्टूडेंट, सोचो सिमिलर होने का फायदा क्या होगा कि यहां पर सोचो यहां से क्या करेंगे एंगल एंगल से, अब यहां पर एंगल एंगल क्राइटेरिया से जब दोनों आपस में सिमिलर हो गए तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, अब हम लोग क्रोस्पोंडिंग साइड के रेशियो को इक्वल कर सकते हैं। तो क्रोस्पोंडिंग साइड के रेशियो को यहाँ पर इक्वल करो और देखो इसमें कहानी क्या क्या आएगी। तो पहले हम लेकर चलते हैं क्या बताइए, ए डी, यहां से हम लेकर चलते हैं यहां से ए डी अपान ए बी, तो लिख सकते हैं सो ए डी अपान ए बी इक्वल टू डी बी, डी बी को डीबी लिख सकते हैं, डीबी अपान बीसी भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको नहीं लिखते, हम ए बी अपान ए सी लिख देते हैं, वैसे तो तीनों रेशियो आपस में सेम हो जाएगा, हम ए बी अपान ए सी लिख देते हैं, डीबी अपान बीसी भी लिख सकते हो, लेकिन हमें इतना रिक्वायरमेंट है। अब इसका क्या फायदा हो गया कि ये जैसे लिखेंगे तो ए बी का ए बी मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट ए डी इंटू ए सी, ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। और इसके बाद एक बार इसको हम लोग सिमिलर किया, सिमिलियरली कर देंगे यहां पर सिमिलियरली। अब जैसे यहां पर स्टूडेंट देखिए हम ए डी बी लिए, अब किसको लेंगे हम लोग सी डी बी, तो सिमिलियरली लिखेंगे ट्रायंगल सी डी बी जो है सिमिलर है, किसके सिमिलर है, तो ट्रायंगल सी डी बी जो सिमिलर है वो सी बी ए के, अब यहां बार बार नहीं लिखेंगे, आप कर सकते हो कैसे सी डी बी में एंगल सी दिख गया, दोनों कॉमन है सी डी बी में और सी बी ए में, ये दोनों में एंगल सी कॉमन है, और सी डी बी में डी 90 डिग्री है और सी बी ए में बी 90 डिग्री है, तो एंगल एंगल से सिमिलरली इसको करके लिख देंगे, क्योंकि एक बार जब ये सिमिलर कर लिए तो इसको सिमिलरली करके लिख देंगे, अगर ये सिमिलर है तो सो बोल सकते हैं कि इनके कोरस्पोंडिंग साइड की रेशियो आपस में क्या होंगी बताइए, सेम होगी, तो सी डी अपान सी बी, तो यहां लिख सकते हैं सो सी डी अपान सी बी इक्वल टू सी बी अपान डी बी अपान बी ए भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लिख देते हैं सी बी अपान सी ए, ऐसे लिख देते हैं सी बी अपान सी ए, इसको लेते हैं यहां से जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान से देखिए तो सी बी या बी सी बी सी बोलो बी सी स्क्वायर इक्वल टू हो गया सी डी इंटू सी ए, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। देखिए सी बी का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी बी स्क्वायर हो जाएगा बी सी स्क्वायर, अब हम क्या करते हैं ध्यान से देखो तो ये बी सी स्क्वायर ये ए बी स्क्वायर है, देखो बी सी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर को ऐड किया, जो प्रूफ करना है उसको में देखते हुए काम करना होता है, तो इसमें देखो आरएचएस में दोनों को ऐड किया है, तो हम क्या करते हैं फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर देते हैं, तो फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करने का प्रॉफिट क्या होगा कि एलएचएस एलएचएस में ऐड हो जाएगा और आरएचएस आरएचएस में, तो यहां से हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, देखिए इसका एलएचएस और इसका एलएचएस, तो ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर इक्वल टू, अब ए बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है ए डी इंटू ए सी है, तो ये हो गया ए डी ए सी प्लस बी सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है सी डी सी ए, अब दोनों से स्टूडेंट कॉमन क्या मिल गया इसमें भी ए सी इसमें भी ए सी है, तो दोनों से ए सी कॉमन ले लिए, देखिए ध्यान से ए सी या सी ए बातें कही है तो यहां से क्या बचेगा ए डी बचेगा और यहां से बचेगा सी डी, तो ए डी प्लस सी डी, तो ए डी प्लस सी डी को डायग्राम में देखकर क्या बोलोगे ये ए डी है और ये सी डी है, जब दोनों ऐड होंगे तो क्या बनेंगे एसी बनेंगे, तो इसको एसी बोलेंगे, तो एक तो पहले से एसी है एक और एसी आ गया, तो एसी का जब एसी मल्टीप्लाई करेंगे तो एसी स्क्वायर क्या गया एसी स्क्वायर, तो हेंस आप देख सकते हैं ये प्रूफ करना था तो पाइथागोरस थ्योरम हो गया प्रूफ, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू एसी स्क्वायर, तो इसमें स्टूडेंट ज्यादा टफ नहीं है, बच्चों को टफ लगता है प्रूफ करना, तो पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ करने के लिए आता है, तो स्टूडेंट ये पहला मेथड है, देखिए हम आपको इसके तीन मेथड बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये पहला मेथड है, दूसरा मेथड देखिए को हम बताते हैं, तो ये मेथड सब बताता है, लेकिन जो हम एक दो मेथड और जो बताएंगे वो आपको नहीं मिलेगा, बहुत यूनिक चीज है उसको आप देख सकते हैं, तो पहले आप इसको नोट करो, इसके बाद बताते हैं अगला मेथड इसी को प्रूफ करने का, तो इससे भी कर सकते हो जो बताएंगे उससे भी कर सकते हो वो भी सही है, तो इसको नोट कीजिए,
और इसमें कहीं आपको डाउट नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि कैसे प्रूफ किया गया, हमें ये प्रूफ करना था यहाँ पर बीडी कंस्ट्रक्शन के 90 डिग्री का एंगल बनाए, यहाँ पर हम ये दिखा दिए कि ड्रा बीडी परपेंडिकुलर एसी। अब एक बार हम क्या किए हैं कि एडीबी इस ट्रेंगल को लिए हैं, और एक बार देखिए एडीबी तो आप एबीसी लोगे, एसीबी लोगे तो आर्डर गलत हो जाएगा, आर्डर सेम लो, जैसे ए से डी गए मतलब ए से कहां गए राइट एंगल पर गए, तो इधर ए से बी चलेंगे राइट एंगल पर चलेंगे फिर सी पर आएंगे, मतलब कि जिस मैनर में इधर ट्रेंगल लोगे उसी मैनर में अगला ट्रेंगल लोगे तभी जाकर यह सही हो पाता है। अब जैसे हम इधर कैसे लिए सी डी बी, मतलब सी से कहां चले डी पर चले मतलब 90 डिग्री पर चले, तो फिर सी से ही लेंगे ट्रेंगल लेकिन बड़ा वाला लेंगे, मतलब क्या हुआ कि ए से लेंगे छोटा वाला ट्रेंगल, ए से लेंगे बड़ा वाला ट्रेंगल, देखो ए से लिए छोटा वाला ट्रेंगल, ए से लिए बड़ा वाला ट्रेंगल, सी से क्या करेंगे सी से लेंगे छोटा वाला ट्रेंगल कौन सी डी बी, और इसी सी से लेंगे बड़ा वाला ट्रेंगल सी बी ए, यही लॉजिक है। तो एक बार ए से छोटा ट्रेंगल फिर बड़ा ट्रेंगल फिर सी से छोटा फिर बड़ा ट्रेंगल, और इन्हीं दोनों को सिमिलर करके कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो सेम हो जाएगा जब सिमिलर होता है तो, और इसके बाद हैंड्स आप देख सकते हो इजीली प्रूफ हो गया, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दिया आ गया, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, इसको नोट कीजिए। इसके बाद देखते हैं अगला मेथड। तो ओके स्टूडेंट, तो देखिए अब इसका अगला मेथड देखते हैं, सेकंड मेथड पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ करने का। ध्यान से देखिएगा, जैसे देखो यहां पर एक ट्रेंगल है, यहां पर ये एक ट्रेंगल है, ट्रेंगल जैसे देखिए यहाँ पर ए बी सी है और ये राइट एंगल ट्रेंगल बोला गया है। हमें प्रूफ करना है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है। मतलब कि अगर ध्यान से देखो तो हमें क्या प्रूफ करना है, लिख लो टू प्रूफ, हमें देखो यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता नहीं है, हमें प्रूफ क्या करना है ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है। तो यहां पर देखिए ध्यान से, अब हम इसको ट्रिग्नोमेट्री से प्रूफ करते हैं, यहां पर इसको ले लेते हैं थीटा, तो थीटा के सामने अब हम बोले कि यहां पर और थीटे के सामने वाली साइड क्या होते हैं परपेंडिकुलर, तो ये हो गया परपेंडिकुलर बताया आपको, ये हो गया स्टूडेंट बेस और ये हो गया हाइपोटेनस, ये पता है कि थीटा के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। अब वी नो दैट, यहां देखो प्रूफ करते हैं, अब यहां पर ये लिख लेंगे वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है वन, ये बात तुम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है वन होता है, और ये भी पता है स्टूडेंट कि साइन थीटा का फार्मूला बच्चा बच्चा जानता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होता है, और कॉस थीटा का जो फार्मूला होता है वो बेस अपान हाइपोटेनस होता है, तो बस यहाँ पर रख दो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस और का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बेस अपान हाइपोटेनस हो गया, तो ये हो गया बेस अपन हाइपोटेनस का स्क्वायर हो गया इक्वल टू कितना हो गया वन, ये स्क्वायर दोनों को मिल जाएगा तो ये हो गया पी स्क्वायर अपन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपन एच स्क्वायर और इक्वल टू वन। ध्यान से देखिए स्टूडेंट दोनों का डिनोमिनेटर क्या है सेम है, तो ऐड हो जाएगा और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपन एच स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया वन हो गया, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है सेम है तो ऐड गया, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो देख लो हो गया प्रूफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, देख सकते हैं बिना कंस्ट्रक्शन के इसको प्रूफ कर दिए, तो ये भी एक सेकेंड मेथड है। अब क्या है परपेंडिकुलर तो ए बी है तो यहां रख दो ए बी, और बेस क्या है बी सी है और हाइपोटेनस ए सी है, तो हो गया यही प्रूफ करना था हो गया डन। देख सकते हैं इंटरेस्टिंग मेथड ये भी है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके इसको प्रूफ कर सकते थे, इंजॉय करो देख सकते हैं, तो वो जो मेथड है टफ होता है इससे भी कर सकते हैं, इसमें भी कोई आपको गलत नहीं करेगा, अगर वो मेथड भूल गए हो अगर मान लो वो मेथड याद है तो उसे कीजिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर भी आपको नंबर मिलेगा, अब तो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है लेकिन जहां हो सके वो नंबर देना चाहिए, ये भी मेथड है सेकंड मेथड और आप कर सकते हैं कोई गलत नहीं करेगा, आप ट्रायंगल बना करके दिखा कैसे दिखा सकते हैं, तो ये भी एक सेकंड मेथड हो गया स्टूडेंट प्रूफ करने का, तो देख सकते हैं कितना आसान है, तो आप इसको जानिए, अगर वो भूल जाते हैं तो इसको आप जानिए इससे कर सकते हैं, अब कहीं भी यहाँ पर डाउट नहीं होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर लिया है सिंपल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है वन, इसकी वैल्यू पता है साइन का क्या था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बेस अपॉन हाइपोटेनस, देख लो दोनों के स्क्वायर मिल गया डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर ऊपर ऐड हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए इधर आ गया हो गया प्रूफ हो गया। अब इसी का देखते हैं थर्ड मेथड, तो थर्ड मेथड से भी इसको हम लोग देखो स्टूडेंट प्रूफ कर सकते हैं, थर्ड मेथड आपको दिखाते हैं, आपको कोई भी एक ही मेथड से बताता है जो बुक में देता है लेकिन आपको थ्री मेथड बता रहे हैं और देख सकते हैं अच्छे से थर्ड मेथड को समझिएगा इसका क्या तरीका है प्रूफ करने का। यहां पर स्टूडेंट देखिए यहां पे एक हम स्क्वायर लेते हैं,
यहाँ पर एक हम स्क्वायर लेते हैं और यहाँ पर स्क्वायर के इसका एक पॉइंट यहाँ पर लेते हैं, इसको मिड पॉइंट नहीं बोल रहे हैं, कोई भी इससे चार पॉइंट ले लिए। अब यहाँ पर ये पॉइंट ले लिए, यहाँ पर ऐसे ले लिए, यहाँ पर हम लोग ऐसे ले ये पॉइंट ले लिए। ध्यान से समझिएगा जो हम बताने जा रहे हैं। इसका नाम दे सकते हैं हम लोग, इसका नाम दे सकते हैं ए बी सी डी। अब यहां पर ऐसे ध्यान दीजिएगा कि हमें क्या इसमें प्रूफ करना है, ध्यान से देखना जो बताने जा रहे हैं। यहां पर स्टूडेंट स्क्वायर है, यहां पर ये देखिए पॉइंट है, इसका भी चाहो तो नाम दे दो, इसका नाम दे दो पी क्यू आर एस। मान लेते किसका साइड ए है, इसका साइड बी है, अल्टरनेट आर्डर में ये ए लिए ए बी लिए, तो फिर इसको ए लो, फिर इसको बी लो, बी के बाद फिर क्या गया ए, ए के बाद क्या गया बी, बी के बाद क्या गया ए, ए के बाद क्या गया बी, मतलब अल्टरनेट आर्डर में। इसकी साइड को हम ए माने हैं, इसकी साइड को बी माने हैं, तो ए के बाद बी, तो फिर बी ए, फिर ए के बाद बी, फिर बी के बाद ए, ऐसे अल्टरनेट आर्डर इसको साइड हम ले लिए। यहाँ पर ध्यान देखें तो ये 90 डिग्री क्योंकि स्क्वायर है, हम यहाँ पर लिखे हैं कि ए बी सी डी क्या है, स्क्वायर लिए हैं, ए बी सी डी को स्क्वायर लिए हैं, ए बी सी डी इज स्क्वायर, ये हम लिए हैं प्रूफ करने के लिए। तो अब स्टूडेंट देखो हमें क्या प्रूफ करना है, इसको साइड को सी मान लेते हैं, तो ये भी सी हो गया, इसको सी मान लेते हैं, ये भी सी हो गया, तो ये सबकी साइड को अगर सी मान लिए तो देखो ये भी स्क्वायर बन गया। यहां पर मान लिए हैं कि यहां पर ये जो आया है सबके पॉइंट क्या बताओ सी है, तो हम यहां पर पी क्यू आर एस को जब ज्वाइन किए थे सबके साइड को सी माने हैं, तो ए बी सी डी स्क्वायर है, यहां पर लिख लो कि गिवन में से हम लिए हैं। और यहां पर क्या प्रूफ करना है बताइए, क्या प्रूफ करना है, प्रूफ ये करना है कि इसमें ध्यान से देखो तो ए पी एस में ये क्या हो गया, ये हो गया आपका बेस, ये परपेंडिकुलर या हाइपोटेनस, तब ये प्रूफ करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। देखो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, यहां भी वही बात है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। देखो एबीसी, एबीसी है कि नहीं प्रूफ करना है, तो देखो यहां पर कैसे प्रूफ करते हैं, तो इसका तीसरा मेथड देखो, तो यहां पर बताइए एरिया ऑफ ए बी सी डी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, तो एरिया ऑफ ए बी सी डी मतलब समझ रहे हो ना पूरे स्क्वायर के एरिया वो किसके इक्वल होगा, तो एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस प्लस देखो पी क्यू आर एस इस एरिया को ऐड कर दो और एक दो तीन चार और प्लस फोर इंटू एरिया ऑफ राइट एंगल, एरिया ऑफ राइट ट्रेंगल, तो फोर इंटू एरिया ऑफ राइट ट्रेंगल, क्योंकि सबकी एरिया सेम ही होगी क्योंकि ए बी सी इसका भी ए बी सी ए बी सी ए बी सी सबका सेम ही साइड है। अच्छा ए बी सी डी की एरिया क्या होगी, ए बी सी डी क्या स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर के अगर साइड पूछे तो साइड क्या होगा ए प्लस बी, ध्यान से देखो तो इस ए बी सी डी का साइड क्या होगा, पूरा हम ले रहे हैं साइड, तो इसका ए माइनस का बी, तो ए प्लस बी मतलब एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी का स्क्वायर हो गया, क्योंकि ए बी सी डी क्या स्क्वायर है और स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है साइड का स्क्वायर और साइड कितना, ये ए और ये बी है, तो पूरा ए प्लस बी, यहाँ भी ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी। अच्छा पी क्यू आर एस क्या, ये भी देखो स्क्वायर हो गया क्योंकि सबकी साइड को सेम ही लेना है, तो पी क्यू आर एस ये भी एक स्क्वायर ही हो गया क्योंकि सबका साइड क्या हो गया सेम हो गया, तो अब बताइए इसकी एरिया क्या होगी, साइड का स्क्वायर मतलब सी का स्क्वायर प्लस, समझो कैसे सी आया क्योंकि सब साइड का स्क्वायर होता है, और फोर इंटू, तो फोर इंटू एरिया आप क्या राइट एंगल, किसी एक राइट एंगल के लिए निकाल लो, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस कितना बताओ ए और हाइट कितना है बी है, ए इंटू बी बेस इंटू हाइट, तो किसी का भी निकाला सबका सेम ही आएगा, इसीलिए फोर से मल्टीप्लाई कर दिए, तो टू टू या कितना हो गया, तो यहां से हो गया स्टूडेंट कितना सी स्क्वायर प्लस कितना टू ए बी, इसका एक्सपेंड कर दो ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, आइडेंटिटी पड़ेगी नहीं, टू ए बी से टू ए बी कट गया, अरे समझो कैसे कटा, दोनों ओर सेम है मतलब प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस इधर आएगा तो क्या जाएगा माइनस, तो टू ए बी माइनस टू ए बी कट गया, ऐसे भी काट सकते हैं दोनों साइड, देखो हो गया प्रूफ, यही प्रूफ करना था, कितना आसान था, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया सी स्क्वायर, अरे समझ रहे हो ना ए क्या, इसमें ए क्या है देख लो बेस परपेंडिकुलर, तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, यही हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, हो गया प्रूफ, तो ये भी एक तरीका है, इसको भी देखोगे तो ये भी एक मेथड है, तो तीन मेथड हो गए आपके, लेकिन बुक में केवल आपका जो पहला मेथड बताए हैं वही क्लास टेन में सब कोई बताता है, हर कोई बताता है, लेकिन स्टूडेंट आपको हमने तीन मेथड सिखाया, एक ट्रायंगल के मेथड से, एक ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड से, और एक स्क्वायर का मेथड लगा, तो ट्रायंगल का मेथड लग गया और ट्रिग्नोमेट्री लगा दिए और स्क्वायर मेथड ये लगा दिए, तीनों मेथड से पाइथागोरस को प्रूफ किया जा सकता है और तीनों ही सही है, अब डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा। तो स्टूडेंट इसके बाद हम आपको लेकर आएंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाएंगे और कमेंट सेक्शन में
कमेंट करना मत भूलिएगा और जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं और आपको तीनों मेथड कैसे लगा, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अपने फ्रेंड्स के फ्रेंड सर्कल में आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए और बच्चे अधिक से अधिक जुड़ सके। और जो बच्चे पहली बार चैनल पर जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जमकर आप लोग शेयर कीजिए। तो ओके स्टूडेंट, बस आज के लिए इतना ही। तो अच्छे से देखिए, इंजॉय कीजिए और क्वेश्चन को करते रहिए। अगला वीडियो बहुत जल्द आएगा, तब तक आप लोग पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ कीजिए और देखिए तीनों मेथड कैसा लगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। तो ओके स्टूडेंट, बस आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट।